तो दोस्तों जितने भी लोग अब ग्रेजुएशन करेंगे उनको एक नया फॉर्म भरना होगा, ठीक है। बच्चे नहीं जान पा रहे हैं कि क्या फॉर्म है। देखिए फॉर्म का नाम है NTA CUET UG एडमिशन ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म, ठीक है। एडमिशन का फॉर्म है NTA CUET फॉर्म बोलिएगा कैफे में, वो समझ जाएंगे, और नहीं समझ जाएंगे यानी कि वो कैफे वाला बोका है। देखिए NTA क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। NTA एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि भारत में जितने भी नेट JRF मतलब कि PhD किया जाता था उस टाइम पे, उससे पहले मतलब कि आज जितने भी लोग PhD करते हैं तो ये संस्था इसकी एग्ज़ाम लेती है और यही इनको फेलोशिप स्कॉलरशिप वगैरह देती है। अब से ग्रेजुएशन करने के लिए आपको इसी संस्था का एग्ज़ाम पास करना होगा, ठीक है, उसके बाद ही आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे। तो NTA CUET UG एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023, जो कि 12 मार्च इसका लास्ट डेट है। अब देख लेते हैं तो परीक्षा का नाम क्या है, वही है NTA CUET, ठीक है, UG एडमिशन। आगे देखते हैं तो फिर बोला गया है कि परीक्षा बोर्ड का नाम क्या है। तो परीक्षा बोर्ड का नाम, जैसे कि आपने CBSE बोर्ड पढ़ा होगा या स्टेट बोर्ड, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड था, ठीक है, उसी तरह से NTA एक एजेंसी है, एक संस्था है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। आगे देखते हैं तो कोर्स का नाम क्या है, आपका UG है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। UG मतलब कि अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएशन को ही UG बोला जाता है। फिर आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। विज्ञापन संख्या, यानी कि यह फॉर्म 2023 में आया, ठीक है। अब देख लेते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में देखते हैं। डेट तो यहाँ पे आवेदन की जो शुरुआत तिथि है वह है 10 फरवरी से, और अंतिम तिथि है 12 मार्च, दो दिन बचे हैं डेट। अब फिर देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आखिरी तिथि रहेगी 12 मार्च को ही। परीक्षा तिथि आपका एग्ज़ाम होगा 21 से 31 मई के बीच में, कभी भी कराया जा सकता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं तो एडमिट कार्ड जारी आपका जो है एग्ज़ाम से 15 दिन पहले कर दिया जाएगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको फीस देना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लोगों को 650 रुपये, EWS और OBC वालों को 600 रुपये, ST SC और दिव्यांग वालों को 550 रुपये फॉर्म फी देने होंगे। परीक्षा शुल्क की बात किया जाए तो परीक्षा शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी चलाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सभी के माध्यम से, ATM कार्ड, ठीक है। CUET का विवरण देख लेते हैं तो परीक्षा का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, ठीक है। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। योग्यता, भारत में इस फॉर्म को एग्ज़ाम को देने के लिए आप भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा पास हो या फिर अपियरिंग हो, मतलब कि अभी आप 12वीं में पढ़ाई कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर चुके हो तो आप इस फॉर्म में बैठ सकते हैं। इसके अलावा योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी आपको इसका ऑफिशियल साइट पढ़ना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं तो CUET एडमिशन 2023 में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों के नाम, इसमें आप ये सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं। पहला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जिसको बोलते हैं, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, और यह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। फिर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, यह लखनऊ में है। अगला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में है। पांचवा देखते हैं यूनिवर्सिटी, यह है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया। पाँचवें नंबर पर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लखनऊ में। अगला है मदन मोहन मालदीव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MM, जो भी है यार, गोरखपुर में है। फिर IIMT विश्वविद्यालय मेरठ, दिल्ली विश्वविद्यालय जिसको DU बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ। इसके अलावा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली। आगे देखते हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी दिल्ली, देख सकते हैं आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का नाम, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी है तो आप देख लीजिएगा। मैं कुछ स्पेशल का नाम बता देता हूँ, जैसे कि हेमवती नंदन, ये आपका उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में है। फिर बिहार गया यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में है।
फिर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है आपका, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि मोतिहारी बिहार में है, ठीक है। एमपी जहाँ पे सागर है, एक जिला है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इस प्रकार के बहुत सारे यूनिवर्सिटी इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। आवेदन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है NTA CUET UG एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के लिए उम्मीदवार को 10 फरवरी 2023 से लेकर के 12 मार्च 2023 के बीच आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बोला गया है कि उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस परीक्षा की अधिसूचना जरूर पढ़ें। फिर मतलब कि अगर आप इन्हीं यूनिवर्सिटियों में एडमिशन कराएंगे तभी, इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी बचते हैं, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपको बिना एग्ज़ाम के डायरेक्टली एडमिशन दे दिया जाएगा, तो बस आप एडमिशन करा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, या तो आप अपने मोबाइल से NTA के साइट पे जाएंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साइट पे, या फिर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े में जा कर के आपको बोलिएगा तो 50 रुपये में फॉर्म फिल कर देगा, ठीक है। और मतलब जो थोड़ा मालूम हो, जानकार हो, ऐसे साइबर कैफे जाइएगा, नहीं तो बहुत भारत में बहुत ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं मालूम है और कंप्यूटर लेके बैठ गए हैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको नॉलेज देता रहता हूँ, क्वेश्चन पेपर एंड इम्पोर्टेंट नोट्स भी देता रहता हूँ ग्रेजुएशन का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।